नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाई है हिमाचल की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, तली हुई रोटियां। और ये रोटियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और हिमाचल में किसी के घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह फंक्शन, तो उसमें ये रोटियां जरूर बनाई जाती है। और इन तली हुई रोटियों के साथ में आलू छोले की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। इसके साथ में इसे परोसा जाता है। वैसे तो आप इसे चाय के साथ, अचार के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि ये फूली फूली तो दिख रही है आपको, और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी है। टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होती है, और फर्मेंटेड आटे से बनी होती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने आज ये हिमाचल की फेमस रेसिपी तली हुई रोटी बनाई है। आज मैं बना रही हूँ हिमाचल की फेमस तली हुई रोटियाँ, और ये गेहूं से बनाई जाती है, और आटे को फर्मेंटेशन ला करके ये बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ, और इसे अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। और इसे टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया हुआ है, और इसे मैं इस तरह से मसल करके डालूंगी, तो इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। ये देखिए अजवाइन मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच यहाँ सेंधा नमक लिया है मैंने, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया हुआ, और 1/2 टीस्पून है मतलब जो खाने वाला चम्मच है उसे आधा चम्मच लिया हुआ है। और यहीं पे मैं गुनगुना सा पानी डालूंगी। ये देखिए पानी डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, और ड्राई एक्टिव ईस्ट को आटे में डायरेक्ट मिला देते हैं, तो आराम से आटा फर्मेंटेशन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे हम। जिस तरह से हम रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, ठीक वैसे ही आटा गूंद लेंगे अच्छी तरह से मसल मसल के। ये देखिए, और ये जो रोटी है, तली हुई रोटी है, बहुत ही फेमस है। नॉर्मली वैसे इसमें नमक वहाँ पे नहीं डाला जाता है, कुछ लोग पसंद करते हैं तो इसमें नमक डालते हैं, नहीं तो बिना नमक के ही बनाई जाती है, और गेहूं के आटे से ही बनती है। जिस तरह से हम मैदे से जो बनाते हैं, मतलब आटे में सोडा डाल करके, तो उसे हम भटूरे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे तली हुई रोटियाँ बोला जाता है। ये देखिए हिमाचल में, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए तली हुई रोटी बनाने के लिए आटा मैंने बढ़िया गूंद लिया है। आप देख सकते हो बढ़िया आटा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया चिकना हो गया है। तो अब मैं ये आटे में ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से ऑयल लगा देंगे, ताकि जो उसकी ऊपरी लेयर है वो सूखे ना। तो ये देखिए आटे को मैंने बढ़िया गूंद लिया, ऑयल लगा दिया। अब मैं आटे को ढक करके 2 घंटे के लिए रख दूंगी। गर्मी के दिनों में लगभग आराम से 1 से 2 घंटे में आटा बढ़िया खमीर वाला हो जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है। तो अब मैं ढक दूंगी। ये देखिए इस तरह से ढक देंगे हम। तो ये देखिए हिमाचल की तली हुई रोटियां बनाने के लिए हमने आटा गूंद के रखा था, तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, और गर्मी काफ़ी है। तो आप देख सकते हो कि आटा बढ़िया फर्मेंटेड हो चुका है अच्छी तरह से, देखिए फूल चुका है। तो अब हम इसकी बनाते हैं रोटियां। तो ये देखिए यहाँ पर आटा तैयार है, तो अब मैं सूखा आटा हाथ में लगाऊंगी। ये देखिए सूखा आटा हाथ में लगा लिया है, और इस तरह से हम लोई तोड़ेंगे, और आपको मैं आटा दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये फर्मेंट हुआ है। ये देखिए आप ये जाली देख सकते हो कितनी बढ़िया आई है। तो अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाऊंगी मैं ये तली हुई रोटियां, तो अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए मैंने इस तरह से गोल कर लिया है, और अब मैं सूखा आटा लगाऊंगी। ये देखिए, और सूखा आटा लगा करके इस तली हुई रोटी को जो हम बना रहे हैं इसे बड़ा करेंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम झाड़ देंगे बाद में। ये देखिए, चाहे तो आप भी थोड़ा सा बेल कर भी इसे बना सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनली इसे हाथ से ही बनाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से बड़ा कर लेंगे। नॉर्मल जो पूड़ी बनाई जाती है, बिल्कुल पूड़ी के साइज़ के हम रखेंगे इसे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल पूड़ी से। तो ये देखिए इस तरह से हाथों से मैंने बड़ा कर लिया है, और जिस तरह से एक नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं, देखिए उतना ही साइज रखा है मैंने, और आपको थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी रखी है मैंने, और अब इसे हम एक कपड़े पर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से बना के रख देंगे। तो मैं 3 से 4 बना लेती हूँ, और तो ये देखिए थोड़ा सा आटा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाने के लिए जितनी लोई लेते हैं उससे हमें थोड़ा सा डबल लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से गोल कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी रोटी भी मैंने तैयार कर ली है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। और इसी तरह से मैं 4 से 5 रोटियां तैयार कर लेती हूँ, और इसे इस तरह से रखती जाती हूँ, और बनाते जाएंगे, और इस तरह से ढकते जाएंगे,
तो मैं अभी बना लेती हूँ और 4 से 5। तो ये देखिए 3 से 4 रोटियां मैंने बना दी है और अब मैं इसे ढक करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए हिमाचल की फेमस तली हुई रोटी बनाने के लिए हमने ये रोटी बना के रखी थी और आप देख सकते हो कि ये बढ़िया तरह से फूल चुकी है, क्योंकि साइज में इसका अंतर आ जाता है जैसे हम इसे रेस्ट पे रखते हैं, तो अच्छी तरह से ये फूल चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली से दिख रही है। तो ये बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए और मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं ये एक रोटी उठाऊंगी और इसे मैं तेल में डालूंगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ये देखिए इस तरह से डालेंगे और इसके ऊपर तेल इस तरह से ऊपर से गरम तेल डालेंगे, जिससे क्या होगा अच्छी तरह से ये फूलेगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। जिस तरह से नॉर्मल मैदे के भटूरे होते हैं, तो ये बस आटे से बनाए जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया फूल गया है। मैं इसे पलटती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो दोनों ही तरफ से अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए तो हमें तब तक इन्हें फ्राई करना है। तो ये देखिए रोटी को मैंने पलट पलट कर तल लिया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ चुका है और कितनी बढ़िया फूली भी है। तो अब मैं इस रोटी को निकाल लेती हूँ, तो इसी तरह से मैं और रोटियाँ फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए तली हुई रोटियाँ तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है, बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है और कितनी अच्छी फूली फूली भी है। आपको मैं दिखाती हूँ ये कितनी बढ़िया फूली हुई है और आपको मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ इसे। ये देखिए मैं रोटी को तोड़कर आपको दिखाती हूँ ये कितनी नरम है और अंदर से आप इसकी जाली देख सकते हो, बिल्कुल ब्रेड की तरह ये लगती है खाने में। और मैंने इसमें नमक डाला है, अजवाइन डाला है, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तली हुई रोटी की रेसिपी कैसी लगी।